फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है तो हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको मेरे चैनल के बारे में बता देता हूँ एक बार। ये मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स, जहाँ पे हम डेली लाइव भी करते हैं और डेली एनालिसिस के वीडियो हम पोस्ट करते हैं। तो आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरे चैनल का इंटरफेस है, आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी हम लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करें तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। हमने जो कल BTST वाला जो ट्रेड दिया था, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था 2:58 पे, आप सुन सकते हैं। निफ्टी का 20,850 का जो पी है, अभी 50 रुपये चल रहा है, 45-50 रुपये में एक लॉट उठा लेना BTST के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, एक ही लॉट। एक लॉट मैंने सजेस्ट किया था, जो यहाँ पे 3:02 पे 40-45 रुपये मैंने बाइंग प्राइस दिया था एक लॉट, वो भी बोल दिया था कि एक ही लॉट लेना है, और जिसने क्लोजिंग दिया था 50 रुपीज़ के आसपास। ये कल का एनालिसिस वीडियो था मेरा। तो आज जब मार्केट खुला 13 दिसंबर को, ये भी मैंने मेंशन किया था जब भी मार्केट खुला तब, ये भी आप सुन सकते हैं। 20,850 का पी इनका भी होल्ड है ना भाई, जब तक स्पॉट 20,940 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक कोई भी एग्जिट नहीं करेगा। तो ये जो मैंने पी दिया था, इसने बहुत ही बढ़िया गेन दिया, सॉरी गला थोड़ा सा ख़राब है। तो BTST वालों का जो SL था 28 का मैंने SL बोला था, तो जो SL हिट नहीं हुआ है और आखिरी तक उसने हमें बहुत ही अच्छा गेन दिया है। 55 पे जब आया था तो मैंने सेफ प्लेयर जो है उनके लिए बोला था कि यहाँ पे बुक कर सकते हो, बाकी रिस्की प्लेयर जो है होल्ड कर सकते हैं। तो उसने लगभग, आप अगर देखेंगे, मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार, उसने हाई यहाँ पे मैंने बाइंग दिया था कल यहाँ पे, और आज ओपन हुआ था वो 47-48 पे, और हाई जिसने लगभग 94 का हाई लगा चुका है। तो मैंने जब बोला था बुकिंग करने के लिए 70 पे, मैंने बुक करने के लिए बोला था, जो 40 रुपये से बाइंग था तो 70 पे बुक हुआ था। आज का जो लाइव स्ट्रीम था वो हो नहीं पाया टेक्निकल इशू की वजह से। तो उसके बाद में जब हमने सेकंड वाला ट्रेड लिया था, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने लाइव मार्केट में शेयर किए थे, तो ये वाला जो हमने सेकंड ट्रेड दिया था 20,900 का पी, 103 पे मैंने बाइंग दिया था, SL जिसका 86 था, और बाद में उसको मैंने मॉडिफाई कर लिया था थोड़ा सा। तो जब नीचे आया था तो 64 पे मैंने बाय CMP बोला था 64, तो 64 से लगभग आप अगर देखेंगे तो इसने 57 पॉइंट्स हमें गेन दिया है, जो कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 64 से लेके 123, सॉरी हाँ 57 पॉइंट्स का गेन हमें इसमें मिला है। और जो ये वाला मैंने आखिरी कॉल दिया था 20,800 का पी अबाउ 64, लेकिन 64 के अबाउ इसने 1 मिनट कैंडल का क्लोजिंग दिया नहीं, तो ये हमारे थे आज के कॉल जो टेलीग्राम चैनल से चैनल पे मैंने दिए थे। जो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गोल्डन बुल्स, तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं अभी तक, नए पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो राइट हैंड कॉर्नर में आपको जो QR कोड दिख रहा है, इसको आप मोबाइल से स्कैन करके मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का एनालिसिस निफ्टी का। अगर देखेंगे निफ्टी का डेली कैंडल, अगर देखेंगे ये कहीं ना कहीं बुलिश कैंडल है, जो अगर देखेंगे कम से कम मार्केट एक हफ्ते से एक साइडवेज रेंज में फंस चुका है, जो कि बुलिश जो रन हुआ था उसके बाद में एक साइडवेज मार्केट है, उसके बाद अगले वीक में हमें शायद ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिल सकता है। तो कल का एक्सपायरी कैसे होने वाला है निफ्टी का, चलिए देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। आज के ट्रेड पहले डिस्कस कर लेते हैं, हमने कहाँ पे लिया था।
तो मैंने लेवल्स पहले से प्लॉट करके रखे हुए हैं, क्योंकि अभी तक वो लेवल्स वैलिड है मेरे लिए, इसलिए मैंने ये लेवल्स मार्क करके रखे हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट 850 का वो, कल ही मैंने इस वीडियो में बोला था, अगर फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप होके मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, ये लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में एक नीचे की तरफ हमें पुल डाउन साइड के टारगेट्स खुल सकते हैं, जो कि मैंने ये कम से कम चार पाँच दिन पहले से मार्क करके रखे हुए हैं। तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट आया था 20,830, सेकंड टारगेट हमारा 20,773 का। यहाँ पे मैंने पूरा बुक करने के लिए बोला था, यहाँ यही से मार्केट में एक वी शेप रिकवरी आया है, जो कि सेकंड हाफ में ये रैली आया था, लेकिन इसे हम पकड़ नहीं पाए क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था उस टाइम पर। तो ये वाला जो रैली हमने मिस किया है, ये वाला रैली हम नहीं पकड़ पाए, लेकिन ये वाला जो डाउनफॉल था ये पूरा हमने कैप्चर कर लिया है। यहाँ पे जब मार्केट आया था तो मैंने अपने पूरे शॉर्ट्स जो है टेलीग्राम चैनल में बोल दिया था कि यहाँ पे पूरा फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कल के लिए अभी ट्रेडिंग प्लान क्या रहने वाला है अपना, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर कुछ रेंज बना के ब्रेकआउट देता है तो अपर साइड हम ऊपर के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है 21,000, एंड उसके बाद अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो 21,030 से लेके 25 से 30 यहाँ तक हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की साइड में अगर आता है, यहाँ पे अगर कहीं पे टाइम स्पेंड करता है और यहाँ से अगर फिर से बाउंस लेता है तो हम यहाँ पर भी बुलिश साइड के लिए लॉन्ग करने वाले हैं, लेकिन मार्केट सीधा ही आकर ऊपर निकल जाता है तो हम कॉल के साइड में नहीं जाने वाले, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस मार्केट के पास है ऊपर की साइड में। अगर सीधा ही ऊपर निकल जाता है तो हम वेट एंड वॉच करने वाले हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी होने वाला है और दो दिन के बाद हमें वीकली कैंडल क्लोजिंग मिलने वाला है, तो ट्रेंड हो सकता है डिसाइड हो अगले हफ्ते, हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिल सकता है। तो कल के लिए कुछ ट्रेंडिंग लग नहीं रहा है कि ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है कल। मोस्टली मार्केट के पास 21,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और नीचे के साइड में अगर देखेंगे 20,773 का यहाँ पे एक बाउंस लिया है मार्केट ने, तो यहाँ पे एक सपोर्ट होने वाला है। तो मार्केट हो सकता है इसी रेंज के बीच में फर्स्ट हाफ में कहीं पे साइडवेज जाके फिर थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट दे सकता है। तो मोस्टली मार्केट कल साइडवेज रह सकता है, ऐसा प्राइस एक्शन फिर हम सुबह देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर साइडवेज ही रह सकता है ऐसा दिख रहा है। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे, अगर डेली कैंडल हम देखेंगे तो मार्केट इसका जो क्लोजिंग है थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि ये ना बुलिश है ना बेरिश कैंडल है, एक हैमर टाइप बना है। तो अगर मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम होल्ड किया है आज, सॉरी 15 मिनट में अगर देखेंगे तो मार्केट ओपन होने के बाद में जब ये वाला फॉल दिया था मार्केट ने, जब ये लेवल होल्ड करने लगा था क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था मार्केट के पास, तो ये मार्केट ने ये वाला जो लेवल है डिफेंड किया था, इसके भी मैंने मार्क करके रखे हुए हैं जो भी लेवल्स है। तो ये जो मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है, ये भी दो तीन दिन पहले से मैंने मार्क करके रखा हुआ है लेवल्स, आप इसे पिछले वीडियो चेक कर सकते हैं जाके। ये लेवल हमने पहले से ही प्लॉट करके रखे हुए हैं, ये अभी तक वैलिड है इसलिए मैंने अभी तक इनको निकाला नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट ने ये वाला जो सपोर्ट था 46,980 का, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस किया है। तो कल के लिए मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होके यहाँ पे अगर कुछ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ से बाय करेंगे, और ये जो कल का स्विंग आज का स्विंग लो जो है के नीचे अगर ट्रेड करने लगा तो हम नीचे के साइड टारगेट ये वाले आ सकते हैं 46,758। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 46,658।
ये सेकंड टारगेट होने वाला है, कम से कम 100 से 200, 800 तक हम देख सकते हैं कि मार्केट 100-200 पॉइंट का नीचे की साइड में लेवल्स दे सकता है, 100-200 पॉइंट मार्केट नीचे आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 47,230 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे, जो कि आज का डे हाई भी क्रॉस करेगा मार्केट। यहाँ पे अगर कोई टाइम स्पेंड करके ऊपर जाता है तो 47,230 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 47,350। उसके बाद में सेकंड टारगेट रहेगा 47,450। ये वाले हमारे ऊपर के लिए टारगेट होने वाले। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना फ्रेंड्स, और टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक जुड़े नहीं हुआ, और ये जो आपको राइट हैंड कॉर्नर में आपको जो क्यूआर कोड दिख रहा है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का है, इसे आप मोबाइल से स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो। तो टेलीग्राम को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।